केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो चित्तौड़गढ़ की टीम ने जिले के निम्बाहेड़ा से छोटी सादड़ी मार्ग पर एक बाइक सवार से 11 किलो से ज्यादा अफीम पकड़ी। पकड़ी गई अफीम का मूल्य लाखों में बताया गया है। गिरफ्तारी किए गए आरोपी से नारकोटिक्स की टीम पूछताछ में जुटी हुई है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो चित्तौड़गढ़ के निवारक एवं आम सूचना प्रकोष्ठ के अधीक्षक सी प्रसाद ने बताया कि मुखबिर से उन्हें अफीम तस्करी की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर उन्होंने नरसिंहगढ़ के पास नाकाबंदी की थी। एक टीम को सिविल ड्रेस में तैनात किया गया था। नारकोटिक्स की टीम ने बाइक सवार को रुकवाया तथा सूचना के अनुसार बाइक की टंकी पर रखे कट्टे की जाँच की। इसमें 5 थैलियों में 11 किलो 150 ग्राम अफीम रखी हुई थी, जिसे जब्त कर लिया गया। मौके से नारकोटिक्स की टीम ने आरोपित निरंजन गाडरी को गिरफ्तार कर लिया। नारकोटिक्स की टीम इसे गिरफ्तार कर चित्तौड़गढ़ कार्यालय लेकर आई, जहां इससे अनुसंधान जारी है। उसको सर्विलांस में रखकर और अपनी टीम यहां से रवाना कर लिया था। निम्बाड़ा से पहले थोड़ी सादली से जो रोड आता है उस पर एक नरसिंहगढ़ पड़ता है। नरसिंहगढ़ में ही हम लोगों ने अपना इसको ट्रिप वो रोकने के लिए बना रखा था। पहले कुछ अपने बंदों को मैंने शिविर में लगाया और उसके पीछे हमारे वर्दी वाले थे। शिविर वाले ने रोक करके ही इसको ज्यों ही रोका त्यों ये भागने की कोशिश किया, लेकिन उसको रोक लिए। उसके टंकी पर उसने एक कट्टे में रखा हुआ था। सूचना के अनुसार जब उसको चेक किए, उससे पूछे, हड़बड़ाते हुए, बहुत हड़बड़ा रहा था, लेकिन हड़बड़ाते हुए इसने बता दिया कि हाँ इसमें अफीम है। फिर हम लोगों को सूचना जो मिली थी उसे तस्दीक हो गया। उससे हमने कुल 5 पैकेटों में उस कट्टे के अंदर कुल 11 किलो 150 ग्राम अफीम बरामद हुई।